छिंदवाड़ा में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सचिव और रोजगार सहायकों ने सीईओ को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। तामिया जनपद में सचिव रोजगार सहायकों सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समस्त कर्मचारियों ने सरकार से 12 सूत्रीय मांग की है और जनपद सीईओ अरविंद बोरकर को ज्ञापन सौंपा है। मांगों को लेकर सभी पंचायतों ने कार्य बंद कर दिया है, वहीं काम नहीं होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि सचिव रोजगार सहायकों ने कई बार मांगों को लेकर सरकार के नाम ज्ञापन दिया है, लेकिन अब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बैनर तले 17 घटक संगठनों के द्वारा जो संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है, उसके अंतर्गत 19 जुलाई को भी सरकार को हमने ज्ञापन दिया था और उसी क्रम में अभी कल भी हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा भोपाल में मंत्री जी, पंचायत मंत्री जी के से भेंट की गई, किंतु कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल के आया। इसीलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के द्वारा हम लोग आज से हड़ताल पर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।